मटन कोफ्ते अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द स्ट्रीट फूड बैटल। तो आज की बैटल जो अब्दुल्ला भाई के साथ होने वाली है ना, वो है चने नान चने, ठीक है। तो अब्दुल्ला भाई ने पॉइंट सजेस्ट किया है वो है जियो चने वाले, और जो मैंने सजेस्ट किया है पॉइंट, ये मुकाबला बेसिकली अंदरून का हो रहा है, वो है दित्ता चने वाले जो कि नौशहरा रोड पे हैं। और जो अब्दुल्ला भाई का सजेस्टेड पॉइंट है वो है गुरु नानकपुरा जियो चने वाले। पहुंच चुके हैं अपनी पहली लोकेशन पे जो के है असली जियो चने वाले, ठीक है। हाजी एहसान साहब यहाँ पे जब जिंदा होते थे तो यही चने बनाते थे, अब कोई किसी और ने शायद इनकी दुकान होल्ड कर ली है। तो ये जी पतीला है और यहाँ पे आपको कोफ्ते मिल जाएंगे। इसके बाद अब जैसे ही सर्दी आएंगी तो न्यारी शुरू हो जाएगी ऐसा, सही है। तो ये चने हैं इनके, हाँ मिस्टर मौजूद है गुरु नानकपुरे में। ये सामने बिल्कुल हाजी अब्दुल गनी सिरीपाई वाले हैं, और ये उनके बिल्कुल सामने आपको जो फर्स्ट वाली शॉप है ये मिल जाएगी। हम पहुंच चुके हैं अपने पॉइंट नंबर वन पे जो के है जियो चने वाले, जो कि अब्दुल्ला भाई की तरफ से सजेस्टेड पॉइंट था। तो रोटी मारी आ चुकी है, सबसे पहले जी प्लांट के नान है गरम गरम और मज़ेदार क्रिस्पी, और साथ ही साथ हैं इनके चने, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है अब्दुल्ला भाई आपके मुकाबले में मेरा पॉइंट टच कमज़ोर, आपका पॉइंट बहुत कमज़ोर लग रहा है। तो ये सबसे पहले यहाँ से नान तोड़ेंगे, पहले नान, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें चने, बिस्मिल्लाह। तो ये जनाब आ रहा है नौशहरा रोड, और आप नौशहरा रोड पे थोड़ा सा आगे आएंगे ये पड़ागला, और उसके बिल्कुल साथ हाजी अल्लाह दित्ता चने मटन खोए वाले, ठीक है। तो ये हमारा आज का पॉइंट नंबर टू है जो कि मेरी तरफ से सजेस्टेड था, तो चलते हैं अंदर और आपको अंदर के शीशे दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई जान, ठीक है जी। ये आप इनका ऑथेंटिक पतीला चेक करें, माशाल्लाह ये मटन वाले चने हैं जी, ये चेक करें बस, देसी मुर्गा ही हुआ जी, ये चेक करें जी, थोड़ा सा पास तो लाए हमारे देसी मुर्गे को, ये चेक करें जी, देसी मुर्गा, ये सारे चने के अंदर ही बनते हैं, ये सादा देसी मुर्गा। हाँ जी इधर देखो, इधर इधर, हाँ कैसा फील हो रहा है आपको? सामने अभी आप जो है वो पहले ही आपने शुरू कर दिया अभी, चले सिर्फ जहाँ पे इनका चनों का पतीला, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट तंदूर लगा जहाँ से पाइपिंग हॉट नान निकलते हैं आपके लिए। सो फाइनली हम अब अपनी लोकेशन नंबर टू पे पहुंच चुके हैं जो कि है दित्ता चने वाला। क्या इनके शशके हैं, यहाँ पे मटन में चने बनाते हैं ये, और मैं कहता हूँ कमाल है, अब्दुल्ला भाई भी हैरत में है। I'm really impressed. और तो ये सबसे पहले इनका नान आ गया, शशके हैं, उसके बाद ये है मटन चने, क्या कह दिया मटन चने, आप इसकी एक बाइट बनाएंगे, फाइनली आज की वीडियो हम यहाँ पे करते हैं एंड आज हम मौजूद थे अल्लाह दित्ता चने वालों के पास। उससे पहले हम गए थे जियो चने खाने जो कि अब्दुल्ला भाई का सजेस्टेड पॉइंट था, अल्लाह दित्ता मेरा सजेस्टेड पॉइंट था, क्योंकि मैं पिछला पूरा रमज़ान यहाँ से चने खाता रहा हूँ, और इनके चने आउट क्लास होते हैं, मटन पे बने होते हैं, जबकि जियो वाले जो चने हैं वो चिकन पे बने होते हैं, दोनों ही चने आउट क्लास। और एक मज़े की बात आपको अल्लाह दित्ता चने वालों के बारे में बताऊं कि अगर आपका रात को 12 बजे भी नान चने खाने का दिल कर रहा है तो ये रात 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक आपको मिलेंगे यहाँ पे। और बड़ा मज़ा आया इस एपिसोड में, दो चने कंपेयर करने के, सादे चने कंपेयर किए ताकि आवाम को मज़ीद चनों के बारे में पता लग सके। तो पहली चीज़ है मैंने कि आपको हर टाइम गर्मा गर्म नान मिलेगा, और यहाँ भी मिलेंगे वहाँ भी मिलेंगे,
जियो फोर चने वाले पे आपको मिलेंगे प्लांट वाले नान, यहाँ पे आपको मिलेंगे हैंडमेड नान और तिलों से भरपूर नान मिलेंगे यहाँ पे। तो ये थे एपिसोड नंबर 2। आप बताएं एपिसोड 3 में हम किस चीज को आपस में कंपेयर करें। सर ये है कि आपने दोनों जगह के चने खाए हुए ऑलरेडी, आपको किस जगह के चने पसंद है कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में जो है अपनी राय का इजहार करें। और हमें मतलब तब तक के लिए इजाजत है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।